हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है फिर से। आज बेटा जो अपनी क्लास लेके आए हैं वो वेरी स्पेशल क्लास है और है भी स्पेशल क्लास के लिए। यानी जो भी हमारी क्लास होगी वो किस क्लास के लिए है? 10th क्लास। और इसके अंदर हम एक स्पेशल सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, या न्यूमेरिकल का फंडा क्या होता है उस चीज का डिस्कशन करेंगे। स्पेशल इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा कि अभी तक जो चीज हम पढ़ते हैं 9th तक शायद हो सकता है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ वीक रहा हो, पर अगर आप लोगों का 10th में वीक रह जाता तो आप फिजिक्स से पूरा कट जाते हो। वो कटना छोड़ो, आपके जो परसेंटेज में भी फर्क पड़ता है साइंस में जो आप देखो तो फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल नहीं किए तो परसेंटेज आपके डाउन चली जाती है। आपने अगर 100 का सपना लिया था तो 6 to 10 के अराउंड न्यूमेरिकल पोर्शन अगर चला गया तो फिर आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम उसी पे काम करेंगे। आज एक चीज और बोल रहा हूँ बेटा, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट हो वैसे ही डराने वाली चीज है, क्योंकि हमने उस लेवल तक उनको पढ़ा नहीं उन चीजों को, बस न्यूमेरिकल देखा और हमारे पसीने छूट जाते हैं। उसके अंदर की सच्चाई क्या है उसके अंदर देखोगे तो न्यूमेरिकल में बहुत सी खूबसूरती छिपी होती है अच्छी। आपको पता चलेगा कि एक न्यूमेरिकल में चीजें विजुअलाइज होंगी कि अगर ये लेते हैं इस सिचुएशन को माने तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वो चीज आप फील कर पाओगे। और जो बच्चा फील कर सकता है अच्छे से उसकी गारंटी है वो कहीं कभी मार नहीं कर सकता फिजिक्स के अंदर। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मुझे फोन की हेल्प लेनी पड़ रही है, पर आपको यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख के दूंगा, आपको सीधी डायरेक्ट नोट डाउन करके सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ बेटा वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरिहंत की बुक फॉलो कर रहे हैं हम, ऑल इन वन साइंस। आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर of radius of curvature, of radius of curvature 60 centimeter, find the position of image, find the position of image। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है। क्वेश्चन को डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस पे आपको काम करना। जब भी आप कोई फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोचते हैं तो उसके भी आप पे काम करना है। तो चीज देखो क्या होती है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि ऑब्जेक्ट को रखा गया कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। मिरर कैसा है? कन्वेक्स। तो आपको हर बात कुछ ना कुछ हिंट देगी। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते बेटा, अगेन आई एम सेइंग न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते। बस स्टेटमेंट में क्या दिया, हमें हर बात हर वर्ड का मीनिंग समझना होता है। हर मीनिंग में हर वर्ड में एक क्लू छुपा होता है जिससे हमें उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो, वैसे ही घबरा जाते हो। कैसा मिरर होगा? अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट डालते हैं। और ये काफी बार रिपीट होगा, बच्चे पूछेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है, क्या है सर? तो आज हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कि कितनी बड़ी रामायण है। तो देखो करता हूं स्टार्ट। ये हमारा मिरर होता है,
प्रिंसिपल एक्सिस। अब या मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला मेयर ले लोगे तो ऐसे बन जाएगा। पहली बात क्या होगी कि सारे डिस्टेंस ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम क्लियर है अब मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा लंबी मैं नहीं बता रहा ना, ये आप लोगों को परेशान करूंगा ऐसे। अगर आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर तो मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि अगर कोई पॉइंट कोई बॉडी उसका डिस्टेंस ओरिजिन से इस साइड रखी, ये सोचो कि कोई बॉडी ओरिजिन से इस साइड रखी है, ओरिजिन से इस साइड रखी हुई है तो उसकी वैल्यू मुझे बता रहा है नीचे से ऊपर क्या होती है। आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ रखा हो, अगर कोई वैल्यू इस साइड है तो इधर उसकी वैल्यू क्या होती थी, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट है चाहे यहाँ पे, आप उसके एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या आती थी, नेगेटिव। क्लियर है। अब आ जाइए वाई की वैल्यू, अब आ जाते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हमें उसका वाई एक्सिस में यानी हाइट वाइज सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू दिखाती है, चाहे वाई की वैल्यू इससे ऊपर हो चाहे इससे ऊपर हो, क्या आती है हमेशा। और अगर इस लाइन से नीचे होती है तो वाई की वैल्यू क्या आती है, चीजें समझ आई या नहीं आई, आई होप आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहां पे क्लियर हो गया। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं भाई आपको, न्यूमेरिकल में चार ही चीजें मापनी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट की हाइट और चौथी चीज इमेज की हाइट। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट। क्लियर। अब समझो जरा कंपेयर करके देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पोल से लेना ये हो जाएगा, ये सर आंसर आएगा यस सर। तो ये इस पोल से इस तरफ है तो यू की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव। जब भी अब एक चीज हो, आपने अलग अलग डायग्राम देखे होंगे, इमेज ऐसे बन गई, इमेज ऐसे बन गई तो इधर क्या है, सॉरी पोल, तो ये इससे क्या रखा है लेफ्ट साइड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लेफ्ट, चाहे ऑब्जेक्ट है या इमेज है, अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है मिरर के तो क्या आएगा बताओ, अभी भी बता नेगेटिव, और अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। तो रूल लिख देता हूं फॉर यू एंड वी, उसमें भी ले सकते हो विभाग, कोई इतने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल इसी तरीके से है, इफ ऑब्जेक्ट और इमेज इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर then your भी तो पता है ना, ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज की बात हो रही तो इमेज का डिस्टेंस will be negative, अगर इस साइड है तो negative, if object or image is present on राइट साइड ऑफ मिरर देन यू और भी क्या हो जाएगा बेटा,
ये आप लोगों को यू और वी के रिलेशन में आता था, क्लियर है। अब एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे लेंस का भी स्टार्ट कर ले, बिल्कुल न्यूमेरिकल करने को लेंस का भी मैं साथ साथ ही पार्ट डिस्कस करूंगा। थर्ड आज टॉपिक समझने का तो थोड़ा सा सीरियस वे में समझेंगे, एच ओ एंड एच आई। एच ओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं बता भी देता हूं, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज। ये चार चीजें होती हैं, पर ये चारों के चारों आपको फॉर्मूले में हमें क्या साइन के साथ यूज करनी होती है, तो उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन का मतलब होता है मानना, ये हमने एज्यूम किए हैं, ये तो ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो नेगेटिव लेंगे, उस साइड राइट साइड तो पॉजिटिव, क्लियर है। थर्ड अगर ऑब्जेक्ट और इमेज इज प्रेजेंट above the principal axis, अगर ऊपर की साइड है, then HO और HI will be positive। और क्या है, अगर below present है, below the principal axis, then HO और HI will be negative। क्लियर है? Yes or no? एक एग्जांपल मैं लेके बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। Yes or no? ये वाला भी आप नोट कर ले, ये वाला भी साथ। आज की शायद हमारी क्लास ज्यादा इसी में चली जाए तो चिंता वाली बात नहीं है, हर क्वेश्चन हर पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। अभी मैं चाहे कन्वेक्स ले लो चाहे कनकेव, कनकेव पे काम कर रहे हो तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो मैं अलग अलग केस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अलग अलग केस, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। ये ऑब्जेक्ट लिया, ये उसकी इमेज बन गई, मान लेते हैं आपने पढ़ा भी होगा ना एफ सी वी ऑन रखा है तो ये इमेज बन जाएगी। अब आ जाइए सीरियसली एक चीज समझ लेना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये लेंगे, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं O1 और ये हो गई इमेज 1। क्या ये इस साइड है पोल से, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको यहां से अपना स्टार्ट करना तो यहां से देखेंगे U1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पे U1 डिस्टेंस, तो U1 पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर ये बन जाता है यहां से इस इमेज का डिस्टेंस देखो तो V1, ये क्या होगा नेगेटिव, क्लियर है। अब इसकी बात पे आ जाओ, फाइट क्या ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है, तो आंसर बनेगा यस सर, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एच ओ फर्स्ट उसकी हाइट क्या है, यस और नो, आंसर होना चाहिए यस। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, यहीं को अलग लिख लें, हाइट तो दिखा सकते हैं, चलो एक को लिख देता हूं बाकी अलग लिख लेंगे, HO1 पॉजिटिव, पर इसकी हाइट देखो आप लोग,
नीचे की तरफ है। और क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे रखा हो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो उसकी हाइट एच आई हो जाएगी, वो क्या होगी, तो फर्स्ट के लिए कितनी है नेगेटिव, ये वाली क्या पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन से बता रहा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो देखो अगर मैं बात करूं इसी में अगला तो वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक केस आप लोगों ने ये देखा था कि जब ऑब्जेक्ट यहां लेते हैं तो इमेज कहीं पीछे बनती है, तो ये ऑब्जेक्ट टू मान लिया और ये इमेज बनी है तो इमेज टू। ये केस पढ़ा था अभी, ब्लैक वाले पहले वाले को भूल जाओ, ये केस डिस्कस कर रहे हैं। आप अलग डायग्राम में छह कैसे डायग्राम में देख सकते हो। अब ये प्रिंसिपल इसका डिस्टेंस देखो बेटा कितना, यहां से देखो तो ये इतने पे रखा है, तो मैंने इसको बोल दिया यू टू, यहां से यहां तक सेकंड ऑब्जेक्ट का, तो ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा आंसर नेगेटिव। और ये इमेज कहां बनी है, इस साइड, तो ये इसका डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस को बी से दिखाते थे, सेकंड का आपने एग्जांपल लिया, तो ये क्या होगा, राइट साइड प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। आई होप कोई मुश्किल नहीं रहनी चाहिए सीधा। अब इसका हाइट h को 2 प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव और इमेज भी है ऊपर तो h i 2 भी क्या होगा। तो ये चीज आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखनी है, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो उनकी हाइट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट या इमेज नीचे है तो नेगेटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव, बस ये बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना, चाहे लेंस है चाहे मिरर है, क्लियर है। अगला आप ध्यान रख सकते हो, फोर लेंस सॉरी मिरर एंड लेंस, लेंस के लिए थोड़ा सा चेंज आएगा और लेंस का चेंज और आप लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी चीजें चल रही हैं, जैसी सी थोड़ा बहुत फर्क आएगा। और मिरर के लिए तो कहां से मेजर होंगे, पोल से, एंड अगर लेंस की बात करो यहाँ पे साइन कन्वेंशन पूछता कमी है, बहुत ही कम पूछेगा, अगर कुछ भी लेगा तो आप लिख देना All distances are measured from pole. अगर लेंस की बात हो रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, यहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर दें कीवर्ड में लिख रहे ना, लेंस की बात, लेंस के भी लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड कोई चीज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, तो ये रूल आपको याद रखने। अब एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, एक एक्स्ट्रा नोट डाल लेंगे इसमें इंपोर्ट, एक लेंस की हमने दो फोकस पढ़ी थी, इधर भी और इधर भी, लेंस की ये वाली इंपोर्टेंट ली गई है तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स is taken positive and f of concave, concave is side present है, lens की बात कर रहे हैं, वो क्या ली गई है negative, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप f का sign put करोगे तो ये put करोगे, क्योंकि f के दो होते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, f के लिए convex lens में हमेशा पॉजिटिव लेना, concave में हमेशा नेगेटिव। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आ जाओ बेटा न्यूमेरिकल कार्ड पे, न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं मैं धीरे धीरे से न्यूमेरिकल का तोड़ हमको दे पाऊं।
देखो भाई, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जब भी कोई चीज दे रखी हो तो डायग्राम बनाओ। क्या करना है? डायग्राम बनाना। आई थिंक कन्वेक्स है, कॉनकेव, लेट मी चेक। कन्वेक्स मिरर है तो आप लोग एक डायग्राम बनाएं देखो, ऑब्जेक्ट का लगा है 10 सेंटीमीटर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस कितनी होती थी, सेंटर तक का डिस्टेंस वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स का सेंटर तो इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ, और ये पोल से राइट साइड प्रेजेंट हो गए। क्या होगा? पोल से राइट। तो आर की वैल्यू आप 60 के सामने प्लस लगा के यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब ऑब्जेक्ट रख दिया इसके अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कितने पे है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, क्या ऑब्जेक्ट पोल से उस साइड रखा है? तो आंसर होगा यस सर। तो 10 सेंटीमीटर है तो उस साइड वाली वैल्यू क्या लोगे आप? नेगेटिव। तो ये वैल्यू आपको -10 लेनी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जो चीजें दे रखी है उसके साथ आप साइन लगाओ। पूछ क्या लिया? फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। तो गिवन, अब हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक और फंडा बता रहे बेटा, बड़ा अच्छा था। न्यूमेरिकल इतना आसान पार्ट होता है, क्यों मैथ में नहीं करते थे काम? क्योंकि थ्योरम आती थी, या भी तो 10th क्लास में आएंगे, 9th में पढ़ी होंगी, 8th में पढ़ी होंगी, क्यों बड़ी बड़ी थ्योरम आती है, ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, उस तरीके से ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करो या सिमिलर प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो वहां पे भी अच्छा सा काम करते थे, थ्योरम में नहीं आती थी, मुझे तो आई नहीं, आपका पता नहीं, मुझे कभी 10th में थ्योरम नहीं आई, कभी आती थी। पर एक अच्छी खास बात टीचर ने हमें सिखाई थी कि बेटा आपको दो काम करने हैं, कि जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिखो सुंदर सुंदर, और फिर हम उसको अच्छे से एडिंग बना ले। गिवन दैट एंगल ई, जैसे ये दे देते थे ई बी सी पी क्यू आर, एंगल गिवन दैट एंगल ए इज एंगल पी एंड रेशियो ऑफ ए बी बाई पी क्यू एंड इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये इस तरीके से सुनते सुनो फिर लिखते थे प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट के बाद मान लिया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है या सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर आगे क्या करते थे? वी नो दैट, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा बेटा, कुछ आप लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ जो कुछ बच्चों के लिए तो काफी हेल्पफुल होंगे, फिर इसका लेवल कितना आसान होता है, अटकते कहाँ, फिर आपका माइंड बस कितने पार्ट को तो छोड़ ही देगा कि ये तो आसान है, फिर उसी पॉइंट पे जाकर जोर लगाएगा, वहीं पे आपका दिमाग सोचेगा कि हाँ बस मुझे इस क्लू को तोड़ना है, इसका हल निकालना है। तो वहां पे लिखते थे जो भी हमें थ्योरम आती थी अपनी मर्जी से, वो यहाँ पे लिखते थे, और यहाँ लिख के बीच में पता नहीं दो क्या लाइन लिखी और लास्ट में फिर वही जो प्रूव करना होता था ना वो लिख के, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज ट्रायंगल पीक्यू आर, वो फिर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखते थे हेंस प्रूव। इतना सुंदर वर्ड हमने आज तक नहीं देखा, ये मैं 1.5 से 2 नंबर दिलाता था, 3 नंबर की, 3 नंबर की थ्योरम होती, 1.5 नंबर 2 नंबर आराम से मिल जाए। तो बताओ कितना अच्छा तरीका, ये तो उसने दे रखा था, ये भी हम देंगे, बस बीच वाला कुछ आता नहीं था फिर भी नंबर मिल गए। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, बीच वाला तो सीखना है ही है, पर अगर हम मैं किसी भी लेवल पे जाके मान लिया आपको गलती से नहीं आया तो आपकी अटेम्प्टिंग
क्या होनी चाहिए वो आप लोगों को समझा रहे हैं। अब आपको लिखना है गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब u आप लोगों ने देख लिया इस साइड है तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद रेडियस पूरा लिख लो, हमें तो नंबर चाहिए सर, तो पूरा लिखो भाई। अब ये उस साइड है तो +60 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन को वहां से पता चलेगी ना जहां पे वो इमेज बनी है, यानी अगर हमें इमेज का डिस्टेंस पता चल जाए तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। क्लियर है? तो ये काम हो गया आप लोगों के पास। अब एक कितना सा काम बेटा, जब भी न्यूमेरिकल करो, एक और नई बात सिखा रहा हूं आपको, शायद आज मैं इस क्लास में एक या दो न्यूमेरिकल कंप्लीट करूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर तरीका आप लोगों को आना चाहिए, स्पीड अंकों में भी पकड़ सकते हैं। आप लोग जब भी एग्जामिनेशन हॉल में या टेस्ट में वो बैठते हो तो आपके पास फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। वास्तव में मिलेगा? बोर्ड वाले देंगे? कोई नहीं देगा। आपके दिमाग में वो चार्ट होना चाहिए, आपको बनाना। वो कैसे? बिल्कुल आसान है। देखो आप लोगों ने ये देखा है क्वेश्चन हमारा मिरर का है। किसका है? मिरर। तो मिरर के सारे फॉर्मूले सोच लो कि एक तो था F is equal to R by 2 और दूसरा फॉर्मूला था 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by। इसके अलावा कोई फॉर्मूला लग ही नहीं आप, तो यही फॉर्मूले आएंगे दोनों। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे वो क्या करेगा, जैसे इस फॉर्मूले में आपको दो चीजें दिख रही है F और R, एक दे देगा दूसरी निकाल देगा, तो जो देगा उसका साइन आपको लगाना है, जो नहीं दे रखी उसका साइन आपको नहीं लगाना है, वो सोल्व करके खुद आ जाएगा। आई रिपीट, जो चीज दे रखी है ओनली उनके सामने साइन पुट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो नहीं दे रखी उनके सामने नहीं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पुट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ओनली बिफोर गिवन वैल्यू। Before which are not given, उनके सामने नहीं जो दे नहीं रहे, which are not given। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने के लिए अभी आ जाइएगा। तो मैं पूछा क्या अभी, तो U और V वाली रिलेशन तो हमारे पास तभी निकल के आती है। और एक काम और कर लो, अभी आपकी सेफ्टी के लिए एक नया तरीका बता देता हूं। जब भी R दे रखा हो तो F निकाल लो, या F दे रखा हो तो R निकाल लो, एक सेकंड लगेगा। तो F is equal to R by 2। अब R plus 60 है, कितनी आ गई? plus 30। क्लियर? अब मैंने एक चीज बोल ली थी कि आपको जो दे रखा है उसका निकालना, दूसरे का खुद निकल के आ जाएगा। अब इसकी plus 30 पे है तो क्या plus 30 में ये नहीं पता कि उसी साइड यहाँ पे होगा, तो क्या ये चीज वेरीफाई हो गई या नहीं होगी कि खुद साइन अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अब आप आसानी से सोच सकते हो इनमें से कोई भी वैल्यू यूज हो रही या नहीं हो रही, तो वी नो दैट वी कैन वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई। आपका काम आसान हो गया, एफ की वैल्यू आ गई 1 बाई प्लस 30, V की वैल्यू नहीं है, U की वैल्यू -10 है। तो पहले तो माइनस को सोल्व करो, ये तो खत्म हो गया। अब V निकालना तो इसको इस तरफ ले गए, तो 1 by V इज इक्वल टू 1 by 30 प्लस 1 by 10 10 से 30 कितना हो जाएगा?
ये 1/b की वैल्यू आई, गलती आप यहाँ पे और करते हैं, b कितना आएगा तो 30/4 और वो भी प्लस का, कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो पोजीशन पोजीशन पूछा था, क्या पूछा था पोजीशन, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। अगर वो नेचर करके पूछ लेता कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो नेचर में आपको पोजीशन, दूसरा क्या बताना है कि रियल या वर्चुअल और इलेक्ट, और उसकी थर्ड क्या बताया था साइज, तो ये तीन चीजें बतानी है वर्चुअल करके। तो इसी क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ा दिया, वैसे आप लोगों को आंसर आ चुका है। अब देखो भाई बिल्कुल आसानी से एक ही क्वेश्चन में पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, लेंस भी खत्म हो गया आपका, लेंस में भी है करना बस खत्म, न्यूमेरिकल और यहाँ से 2 नंबर का 3 नंबर का पक्का आएगा। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, बस पेशेंस के साथ समझ लेना। अब हमारे पास पॉजिटिव साइन निकल के आया, तो बी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब पोजीशन आपको पता चल गई कि इमेज कहीं ना कहीं, वैल्यू निकालना कितनी है 428 30 को कर लो नाम की हो प्लस 7.5 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं इमेज हमारी यहां बनेगी, और इधर जो इमेज बनती थी वो आपको क्या पता है कि डॉटेड बनती, कैसी बनती थी डॉटेड बनती थी, तो पॉजिटिव साइन आने का मतलब बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी वो कैसी होती थी वर्चुअल एंड ऐसी होती थी। हाँ जी ऐसे, तो पता चला या नहीं पता। अब आ गया जरा साइज क्या होगा, अब देखेंगे क्या होता है क्या। चलो मिटाओ मिटाओ इसको मिटाओ। अब अगली बात साइज निकालो, निकालो जल्दी से क्या साइज एच बी को यू पता है, पर एक चीज और बेटा, साइज उसने ऑब्जेक्ट का नहीं बता रखा तो इमेज का भी नहीं पता चलेगा, छोड़ दीजिए साइज, अगले क्वेश्चन में देखिए। तो एक एग्जांपल नहीं बेटा, आपका एक हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है इसमें, अभी मैं सेकंड में मूव करता हूं, अब आप फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। काहे को पका रहे हैं सर, ओहो मैं इनको गलती कर दी हूँ बेटा, आपने एग्जांपल इतना बड़ा नहीं, ऐसे कर लेते हैं एग्जांपल टू, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर। आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, फिजिक्स की क्लास है, नो फंडा, किताब का जस्ट पढ़ो, सब कुछ आपको क्लास के अंदर ही मिलेगा, बस आपको उतारना और दिमाग में बैठाना है। कई घुटनों में मत बैठा रहना कि सारा ज्ञान नीचे जा रहा है। वाह अगली बात देखो भाई, इट फॉर्म्स ए रियल
इमेज फोर टाइम लॉन्गर देन ओके, कितनी बड़ी है, चार गुना। वाह भाई, लॉन्गर देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। क्या कहता है ये, एक वस्तु, एक कण के वो क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर रखी हुई है। समझ नहीं आया, क्या करो, हिंदी है इंग्लिश की बात भी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। दर्पण तो सुना होगा, मिरर, ये बिल्कुल ही आउटर कंट्री से हो, एक ऑब्जेक्ट, चलो कि इसमें बात कर लेते हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। ऑब्जेक्ट है कंकेव मिरर, पहली सुंदर सी बात उसने क्या दी है, कंकेव मिरर, तो ये लो भाई कंकेव मिरर हमने बना दिया। तो कंकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कंकेव मिरर। तो भाई यहां से ऑब्जेक्ट रख दिया वो कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ इस साइड है, यस सर, तो माइनस लगा घटा। अब उसने ये बोला, क्या बोला, कि जो साइज ऑफ इमेज है वो चार गुना है। अगली बात क्या थी, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर, पढ़ी दूसरी इमेज इज रियल, कैसी है, रियल, एंड इसका जो साइज है उसको हम एस आई से लेते थे, वो फोर टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच को लेते थे, साइज को हाइट से मेजर करते थे। तो यार बड़ी खास बात आप लोगों के सामने आई, इमेज है रियल, पूछा क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अभी एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था, m is equal to माइनस v by u एंड h i by, पहले ऐसे करो h i by h को माइनस v by u। बड़ा अच्छा सवाल है, v निकालना है, u दे रखा है, h f कहाँ है, हमको क्या पता, हमारा तो साफ पता, निकालो कैसे निकालेंगे बेटा, पहला फॉर्मूला लिखो 1 by v plus 1 by u, ऑप्टिकल दूसरे नहीं दे देते हैं तो इमेज निकालना है, वेरी वेरी सिंपल। आ जाओ m is equal to h i by h o minus v by, देखो इससे भी चीजें यूज होती हैं। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जस्ट एक चीज क्लियर करें, रियल है तो इनवर्टेड भी होगी, क्या होगी, इनवर्टेड भी होगी, तो ये तो जस्ट उसकी हाइट दे रखी है, पर इमेज नीचे बनी है, चीज समझ आई, देखो अब समझ आएगी, रियल है तो कैसी होगी, इनवर्टेड होगी,
और इन्वर्टेड है तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, नीचे बन रही है ऊपर वाली रहती है तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी माइनस। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, एच आई कितना है माइनस फोर एच ओ, एच ओ कितना है भाई ऊपर बन रही है एच ओ दो, ये मान लिया क्या नहीं आप लोगों को पता होगा, लेट एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई हाइट ऑफ इमेज माइनस एज इट इज, बी कितना दे रखा है नहीं दिया सर, अब क्या चाह रहा है, यू कितना है माइनस ट्वेल्व, तो इस वाले माइनस से ये काट लो, इस एच ओ से ये काट लो, तो माइनस फोर इज इक्वल टू बी बाई ट्वेल्व हो गया, इसको उधर ले जाओ बी इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू ट्वेल्व, क्या माइनस 48 सेंटीमीटर नहीं आ गया। हम मुझे एक चीज बताइए, माइनस 48 आने का मतलब कहीं ना कहीं वो इस साइड ही तो बन रही है, ये सुनो ये क्या बता रहा है कि किधर 48 सेंटीमीटर पे बनेगी, क्लियर, तो आपका आंसर आ चुका है, पर मेरी बात याद रखना, मेरी बात एक चीज ये बताना चाह रही है कि बस आपने डायग्राम बनाया और इमेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो निकाल ली, अब आपको वेरीफाई करके देखना है कि जो इमेज आपके आई है उसको बना के देखो और क्या ये उससे मैच कर रही है जो ये नेकेड डायग्राम में पड़ा। आपने सिंपल सी बात पढ़ी जब कॉनकेव मिरर ऐसे रखा होगा नॉर्मली इस केस में आती तो हम लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ रखा है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्लास लंबी चली गई, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं कि डायरेक्ट फोन स्क्रीन से कैप्चर कर पाता है या नहीं, प्लीज वेट, नहीं तो फिर मुझे नोट करने पड़ेंगे। तो बेटा ये भी आपके पास क्लियर आ रहे होंगे, चेक पॉइंट वन के क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, अभी थोड़ा सा टाइम है भी हमारे पास, चेक पॉइंट वन के मैं कुछ डिस्कस करवा ही देता हूँ, चेक पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप नोट करेंगे, Why does a ray of light passing through center of curvature get reflected along the same path? मैं आंसर लिखवाऊंगा, शायद आपके पास बीच में क्वेश्चन आ गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जस्ट बेटा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो नीचे कमेंट में हम पिक मंगवा सकता है, अगर हो जाएगा आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कहां से सेंटर, तो ये आएगा ऐसे के, तो रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ वापिस इसी रास्ते से आ जाती है, क्यों, आंसर होगा वी नो दैट, ये यहां पे क्या हो रहा है क्लियर, एंगल आर एंड एंगल आई लिखते हैं पहले, कितना हुआ जीरो, क्योंकि अगर सेंटर से कोई पास होती है तो नॉर्मल भी क्या होता है इसके साथ साथ होता है, सिंस इट फॉल्स अलोंग एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई
तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो इट रिफ्लेक्ट बैक। तो आपको ये चीज बतानी है कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर जीरो है। क्यों है? क्योंकि एंगल आई जो माइन लाइट रे है नॉर्मल के साथ साथ वही है, क्योंकि नॉर्मल भी तो हम क्या बनाते हैं, इसके साथ ही बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्मड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन? सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो हमारी बेटा रियल इमेज है। कैसी है? रियल इमेज। तो यहां मैं भी आपको एक डिफरेंस बता देता हूं बच्चों, रियल इमेज में आप लोगों को लर्न करना है, बॉक्स बना लें, वर्चुअल तो कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इट इज ऑलवेज इनवर्टेड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। बट इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, एक इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सके, स्क्रीन एक पर्दा है, कपड़ा है, कोई भी दीवार और स्क्रीन पे आ जाए रियल, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, आप लोगों को हमने एक एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि अगर हमने दीवार पे एक मिरर को लटका, दीवार पे नहीं यहाँ बच्चे काम करना, तो आपके घर का गेट है चौकड़ जिसे बोलते हैं, वहां पे धागा, धागे से एक मिरर को बांध दिया और अंदर आप खड़े हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और पीछे आप अपने भाई बहन या किसी को भी बोलना पेरेंट्स को कि पीछे दो, आपको इमेज क्या दिखेगी कि मिरर के अंदर की तरफ पीछे 2 मीटर पे बनती दिखेगी प्लेन मिरर में। और अगर आप अपने भाई बहन को बोलोगे पीछे जाके पर्दा लेके खड़ा हो जाए कपड़ा, तो क्या उस पर आपको इमेज मिलेगी? तो आंसर होगा नहीं। वो इमेज कैसी थी? वर्चुअल, उसको स्क्रीन पे नहीं दिया जा सकता। जबकि सिनेमा हॉल में जो इमेज है उसको क्या हम स्क्रीन पे ले सकते हैं? हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब आपके कोर्ट आउट आया हुआ जब उल्टी पर हमें वहां पे जो एक्टर है, जो विलन है या जो डांस करते हुए दिखते हैं दूसरे के साथ, वो सभी क्या है? सीधे दिखते हैं। आप तो उल्टा बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है बेटा, पर अगर मैं प्रोजेक्टर को उल्टा रख दूं तो सीधे दिखते, वहां पे प्रोजेक्टर को उल्टा रखा जाता है। तो इस वजह से तीसरी एक और बात रफ में आप लिख सकते हो, इट फॉर्म बाय क्रॉसिंग ऑफ टू डार्क लाइन। या आपको डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखनी है, इन डायग्राम, और इसमें क्या लिखोगे, इन डायग्राम इट फॉर्म्स बाय क्रॉसिंग ऑफ टू डॉटेड और वन डार्क एंड वन डॉटेड लाइन। रेज लिख सकते हो, रेज की बात करें, लाइन रेज तो वहां जाएंगे, लाइन की बात करें तो ये आपको डायग्राम में जान, जब डिफरेंस आए तो ये ऊपर वाले 2 पॉइंट डिस्कस कर देने हैं। तो देखो बेटा आपका एक टॉपिक और नया तैयार हो गया। तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तक तो उसका नॉर्मल चल रहा था। बोर्ड में क्वेश्चन यहां से निकल के आएंगे, जो बच्चा इन क्वेश्चन से चीजें सीखेगा वही टॉप करेगा। तो ये क्वेश्चन सेकंड था।
क्वेश्चन थर्ड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? आप लोगों को बताया गया है, खुद करना है। इफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी इफ ए बॉडी रोटेट्स साइड वाइज, रोटेट्स साइड वाइज, दैट मीन्स if left side becomes right and right side becomes left, then it is called laterally inverted. तो इसे लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला है, तो एक कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, और उसकी इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन फोर, गिवन क्या है? कन्वेक्स मिरर, और इमेज कैसी बना रहा है? वर्चुअल इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा डिमिनिश। तो पोजीशन पूछी है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। तो हमने पढ़ रखा था एक्सट्रीमली डिमिनिश, मतलब बिल्कुल पॉइंट पर पॉइंट तो नहीं बोला, पर एक्सट्रीमली बोला बेटा, नॉर्मली डिमिनिश बनती है। तो इसका आंसर आप क्या लोगे? ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर किसी क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, ए पार्ट ये है, बी पार्ट में कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, ये बोल दे, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। ए रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड ऑन प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंक्लाइंड हो रही है। It makes angle of 30 degree with mirror. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। जैसा हमने पहले भी किया था कि एंगल दे रखा है मिरर के साथ 30 डिग्री, तो what will be the angle of reflection? Angle of reflection क्या होगा? यानी कि आपको R की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे? इस डायग्राम में पहले क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ हो जाता है, फिर ये एंगल टोटल कितना होता है? यहां से यहां 90, तो आई कितना आ गया बेटा? 90 माइनस 30 60। क्लियर है? तो डायग्राम में आप देख चुके हो, ये एंगल I इज इक्वल टू 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल I होता है, तो R भी कितना आ गया? 60 डिग्री। तो सिंपल सा आंसर था। आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कर लोगे। अभी एक मैं चेक पॉइंट
टू की आपको पिच भेज रहा हूं, चेक पॉइंट वन कंप्लीट है, तो चेक पॉइंट टू के क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेंगे और ये आपको रफ नोट बुक में ट्राई करने हैं। आई होप इट आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, तो एक बार मैं आपको पिक और भेज देता हूं। तो देखो क्लियर हो रही है, फर्स्ट है स्पेरिकल मिरर है जो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, तो ये मिरर कौन सा होगा। दूसरा, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर इज पॉजिटिव, व्हाट डज इट मींस, इसका मीनिंग क्या है। तीसरा, रियर व्यू मिरर व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, क्या होता है इसका। फोर्थ में रेज, आई होप आपको क्लियर दिख रहा है, तो ये आपको 6 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।